ये है दुनिया का सबसे छोटा अंडा जो कि है 5 रुपए का, और ये है दुनिया का सबसे बड़ा अंडा जो कि है 2000 रुपए का। तो ये है वेजिटेरियन अंडे। तो इनको वेजिटेरियन अंडे इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो इनकी मुर्गियां होती है वो काजू बादाम खाती है। तो अगर आपको भी ये 2000 का अंडा चाहिए तो वीडियो में बने रहिएगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये अंडा कहाँ मिलेगा। अभी देखिए, ये प्योर देसी अंडा है जो गाँव में मिलता है, और वो होता है आपका डक। डक, हाँ, डक का अंडा है ये। आपका कड़कनाथ जो ब्लैक है ना, वो इसका होता है। 20 रुपए का रहता है ये। हाँ, ये आपका है डबल केसर, अंदर में 2 केसर निकलेगा, इसको डबल केसर बोलते हैं। दो योग रहते हैं मतलब इसमें। हाँ, और ये है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब देसी है मगर दाना खाकर रहता है। ये आपका है जो तीतर है ना, इसका है, और ये टर्की का है। टर्की का 100 रुपया और ये वाला 5 रुपया। 5 रुपए का। ये हंस का है, और इसका प्राइस 200 रुपीज रहता है। हाँ, ये हमारा वहाँ पे 2000 रुपए वाला अंडा, 2000 रुपए का। देख सकते हो शतुरमुर्ग का अंडा रहता है, 2000 रुपए का, ब्लैक कलर का। तो ये आपको मुझे नहीं लगता बाकी कहीं और मिलेगा, कहीं उड़ीसा मिलेगा? उड़ीसा में कहाँ पर नहीं मिलेगा, उड़ीसा में कहीं नहीं मिलेगा। तो कहाँ मिलता है ज्यादातर ये? वो मिलता है तमिलनाडु में मिलता है और केरला में मिलता है। तो सर 2000 रुपए क्यों रखा है इसका दाम? एमू तो उड़ीसा में मिलता नहीं, वो एमू क्या होता है ना, वो 1 ईयर में वो 20 दिसंबर मास में देता है अंडा, इसीलिए इसका अंडा बहुत डिमांड है और इसका खासियत बहुत अलग है। तो आपने 10 रुपए का अंडा खाया होगा, 5 रुपए का भी अंडा खाया होगा, बट यहाँ पे 2000 रुपए का अंडा है। तो अगर आपने कभी खाया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आगे लेयर है। लेयर है क्या होता है? जो अंडा देता है हमारा जो ब्रॉयलर बनता है उसको लेयर बोलते हैं। और ये आगे चाइना है, तो ये चाइना से आता है क्या? गिनी फॉल बोलते हैं ना इसका, चाइना। वो जो अंडा है वो भेज अंडा है। इसको क्यों भेज अंडा बोलते हैं? क्योंकि वो जो फीड खाता है काजू बादाम और गहम, वो इसको भेज वाला खाना खा कर रहता है, इसीलिए इसको भेज अंडा बोलते हैं। तो ये है वेजिटेरियन अंडे। तो इनको वेजिटेरियन अंडे इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो इनकी मुर्गियां होती है वो काजू बादाम खाती है, ऐसा हमें सर ने बताया। तो अगर आपको भी वेजिटेरियन अंडे टेस्ट करने हैं तो नॉनवेज वर्ल्ड पे आके यहाँ पे इसको टेस्ट कर सकते हो। ये आपको भुवनेश्वर में शॉप मिल जाएगी। तो थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट बताइएगा। नहीं, हमारा अभी जो उड़ीसा में वो पहले हम किए हैं, जिससे आपका चाइना और मलेशिया जहाँ पे उधर जो लोग जा रहे थे सब बोल रहे थे वहाँ पे सब मिलता है, मगर उड़ीसा में पहले फर्स्ट टाइम हुआ है मनोज दो नॉनवेज वर्ल्ड। वहाँ पे क्या होता है ना, अभी मुर्गी का एक नहीं, हमारा पास 20 आइटम है देसी का। अंडा का भी है, अभी दिखिए इधर भी, अंडा का एक नहीं, अंडा का भी 15-20 आइटम है, और जिंदा मछली का भी आपका 15-20 आइटम है। नहीं, हमारे पास जैसे देखिए आपका इमू, ऑस्ट्रिच, डॉग, स्वान और गिनी फाउल, रैपिड और तितर, ये सब अलग वेराइटी का माल होता है, जैसे देसी का मयूरभंज गंजा और लोकल का और वनराज ककरेल, बहुत कड़कनाथ सब इधर मिलता है। और यहाँ से सबसे बढ़िया खासियत क्या होता है ना, हमारा जो सब लोग बोलते हैं ना लाइव किचन लाइव रेस्टोरेंट, वो इसी टाइप का बोलते हैं, कहाँ पे ला के करते हैं, मगर उधर वो सबसे बढ़िया क्या होता है ना, आप जो चीज़ देखोगे इसको आप पसंद करोगे, इसको आप लेकर आप कुकिंग कर सकते हैं, और हमारा भी कुक भी है इसका। सबसे हमारा उड़ीसा में पहला टाइम हुआ है और सबसे बहुत डिमांड भी है इधर। तो सर यहाँ की टाइमिंग क्या रहती है? 1 साल का 365 दिन दुकान खुला रहता है, सुबह 6 से लेकर रात 10 तक खुला रहता है। और इसका एड्रेस और नाम बता दीजिए उड़ीसा। ये हमारा उड़ीसा में भुवनेश्वर में है, आपका पटिया चगा आएंगे इम्फो सिटी के रोड में, आप हमारा पड़ेगा मनोज दो नॉनवेज वाले। तो अगर आपको ये वैरायटी देखनी है तो आप भुवनेश्वर में आके नॉनवेज वर्ल्ड में आके यहाँ पे इनकी वैरायटीज देख सकते हो, यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हो। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।